जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप जानते हो, कुछ ना कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी है जिसमें आप तर्क लगा सकते हो, और मैं हमेशा बताता हूँ जिस इतिहास में तर्क लगाने की जरूरत नहीं है वो इतिहास नहीं, पाखंडवाद है। क्योंकि इतिहास में तर्क से ही हम ढूंढ सकते हैं सच्चाई क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों आज हम दाखला लेते हैं राजेंद्र बाबू ढोके की लिखी हुई किताब गोंडवानालैंड का मानव गुण। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुछ मानव जातियों में वर्गीकरण किया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एस्ट्रोलाइड जाति है, नार्डिक जाति है। तो इस मानव जाति में उन्होंने वर्गीकरण किया और उन्होंने ये बताया कि जब नार्डिकों का यहाँ पे आगमन हुआ है, नार्डिक मानव जाति का जब यहाँ पे आगमन हुआ है, तभी सिंधु सभ्यता का काल शुरू था। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि नार्डिक मानव जाति इंटर होने टाइम हमारे सिंधु सभ्यता, और आप जानते हो कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला, बहुत बड़े नगर मिले, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, यानी हम विकसित हो चुके थे, हमारे रहन सहन की सुविधा, हमारे नगरों का विकास हो चुका था। तो इस काल में अगर नार्डिक मानव जाति का आक्रमण होता है, आगमन होता है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, ये उनके पॉइंट में दिखाई देते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे लोग ये प्रूव करने पे तुले हैं कि ये जो थ्योरी है ये गलत है, अमका है, डिमका है, फलाना है, जो भी है, लेकिन तर्क लगाने की ज़रूरत सभी को है। तो फिर हम ये नज़र आते हैं कि ये तो 2000 साल के इर्द गिर्द कहीं हुआ है, बहुत प्राचीन नहीं है। और फिर इनका और बाकी लोगों का हमें संघर्ष नज़र आता है। संघर्ष देखिए, ये थ्योरी गलत हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में चर्चा ना करते हुए हम सीधा इस पे चलते हैं कि संघर्ष तो बहुत बड़े हुए हैं। अभी आप कहेंगे कि संघर्ष उनमें हुए, राजा में हुए, ये हुए, जाति भेद में हुए, थोपने की कोशिश हुई, लेकिन इसमें एक क्लियर बात है, ये बात है कि यहाँ के मूल निवासी लोगों में और बाहर से आए हुए लोगों में ज़रूर संघर्ष हुआ। और यह संघर्ष इतना बड़ा कि यहाँ के मूल निवासी उनका विरोध करने लगे। अभी देखिए, कोई समूह किसी समूह पे हावी हो जाता है तो उसके नियम कानून अलग होते हैं, इसके नियम कानून अलग होते हैं। और इस समूह को इस लेखक ने, राजेंद्र बाबू ढोके ने, गोंड कहा है। जी हाँ दोस्तों, आप कन्फ्यूज ना हो, बाकी सभी आदिवासी इस गंड जीवों में आते हैं, क्योंकि गोंडवाना, यह गंडवाना गंड जीवों से बना है गोंडवाना। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के लोग थे। गोंडवाना लैंड की थ्योरी मैंने आपको बताई है। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं आगे कि फिर दैत्य, असुर, पिशाच, ये कथा कहानियों में घुसने लगे। फिर हम एक वैज्ञानिक तरीके से लॉजिक लगाए तो देव का भी यहाँ था, वहाँ था, राम भी यही थे, वही थे, ऐसा चल रहा है। तो फिर असुर, दैत्य, ये कहाँ से आए थे? सीधा अगर हम लॉजिक लगाए तो लोग कहते हैं कि ये यहाँ था, वहाँ था, इनकी यह कुटी है, वो कुटी है, वहाँ पे ये इतिहास घड़ा था, यहाँ पे सेतु बना था। अगर ये ठीक है, आप अगर बता रहे हो, तो आपके कथा कहानियों में जो असुर पिशाच दिखा रहे हैं, जैसे कि डायनासोर का भी मन का मिला है, तो हमारे वैज्ञानिक ये तो बता सकते हैं कि डायनासोर था, अभी तो नहीं है, फिर भी था, क्योंकि उसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो फिर ये असुर, राक्षस, पिशाच, दैत्य, दानव, ये कौन थे? और अगर ये आपके कहानियों में दिख रहे हैं तो ये भाई कौन है, इसके कुछ तो पुरावे मिलने चाहिए। फिर साहित्यिकों ने, राजेंद्र बाबू ढोके का नज़रिया ये है कि ये कहते हैं कि जब बाहरी लोगों का और मूल निवासी लोगों का संघर्ष हुआ, इनमें से बहुत बड़े कथाएँ, साहित्य पैदा हुआ, और इस साहित्य में इन लोगों ने असुर, दानव, पिशाच यहाँ के मूल निवासी लोगों को दिखाने की कोशिश की। और यही भी हुआ, क्योंकि इनके पुराने में बहुत कम इनके तिथि नज़र आती है। देखिए, इतिहास लिखना हो तो कोई भी काल लिखना पड़ता है, लेकिन इनकी तिथियों में बहुत तफावत नज़र आती है। ये जो अपना तिथि लिखते हैं, और तिथिहीन भी इसको कहा जा सकता है। तो ये भी कोशिश हो सकती है कि हर स्टोरी को अपने नज़र से एक विलन बनाया गया, और उस मूल निवासी राजा को, मूल निवासी लोगों को विलन के तरह दिखाया गया, और एक दो यहाँ पे गुट निर्माण हुए, वो गुट अपने अपने लोगों को दिखाना चाहते थे। मूल निवासियों का इतिहास इसलिए पीछे पड़ गया क्योंकि ये लोग लिखना, साहित्य रचना और धूर्त नीति नहीं जानते थे। तो दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके अपने किताब में क्या कहते हैं, आइए उनसे किताब से पढ़ते हैं। सिंधु बनाम गोंडियन सभ्यता का काल, इसके पहले पॉइंट में, इतिहासज्ञों ने सिंधु सभ्यता का काल
3250 से 2750 वर्ष ईसा पूर्व का स्वीकार किया है। यह आकलन ठीक नार्डिक मानव जाति के आगमन 2000 ईसा पूर्व के पूर्व का काल है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषज्ञ पुरातात्विक सर जॉन मार्शल ने संदर्भ सभ्यता का काल 2500 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व का बताया। सर जॉन मार्शल का मत अधिक निकट प्रतीत होता है क्योंकि नार्डिकों का आगमन 2000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। आर्य परिसंघ बना, इसके बाद गोंड और आर्यों में भयंकर संघर्ष हुआ जिसकी कथाएं रची गई है। वैदिक साहित्य की प्रत्येक कथा के पीछे राक्षस, असुर, दानव, दैत्यों का कारण होना यह दर्शाता है कि एक विकसित सभ्यता पर आर्यों को अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रतिस्थापित किया जाना था, जिसके लिए उन्हें पूर्व नियोजित ढंग से साहित्य की रचना करना पड़ा। यदि उस काल में भारत में विकसित सभ्यता न होती तो आर्यों को इतने कथानकों को रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसा कोई धार्मिक पर्व नहीं है जिसमें असुर आदि का उल्लेख न आया हो। यह आर्यों की उस मानसिक दशा को सिद्ध करता है कि तत्कालीन भारत में सभ्य मानव नहीं बल्कि असभ्य लोग रहते थे। उन्हें यदि सभ्य बनाने का यदि किसी ने कार्य किया है तो वैदिक संस्कृति, जिनके जनक आर्य अर्थात ब्राह्मण थे। यह मानसिक दशा स्वयं बताती है तत्कालीन भारत में विकसित सभ्यता थी और वह काल ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से अधिक नहीं हो सकता है। वैदिकों के आगमन और गोंड वंशजों से संघर्ष के काल का आकलन न हो सके इसके लिए सभी साहित्य बिना तिथि के रचे गए हैं। हम कल्पना करें कि वैदिक साहित्य के वेद, जिन्हें अथक परिश्रम कर लिपिबद्ध किया गया होगा, उन्हें किन्हीं मानवों द्वारा किसी काल में सृजित किया होगा, किंतु उन्हें भी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ बताया गया है। इससे बड़ा तिथि का न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु आश्चर्य तब होता है जब गोंड पुत्र हयग्रीव को राक्षस और वेदों का चोर बताया गया है, जिससे वध के लिए स्वयं विष्णु को मत्स्य के रूप में अवतार लेना पड़ता था। तब ऐसे साहित्य से सिंधु सभ्यता का ज्ञान प्रदान करने में क्या मदद मिल सकती है? कतिपय प्रमाणों के लिए वैदिक कथाओं का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि उनमें वर्णित वृत्तांतों से एक अनुमान लगता है। जैसे हिरण्यकश्यप का प्रसंग विष्णु पुराण में आया है, उसी पुराण में गुप्त वंश के ऐतिहासिक शास्त्रों का वर्णन आया है। गुप्तकाल ईसा पश्चात 240 से 484 ईस्वी तक का आकलित किया गया है। यह स्वयं सिद्ध है कि विष्णु पुराण गुप्तकाल के बाद की रचना है, किंतु उसमें विष्णु के चौथे अवतार का वर्णन है जब हिरण्यकश्यप का वध किया गया। निश्चित रूप से यह घटना नारदिकों के आगमन के बाद अर्थात 150 वर्ष ईसा पूर्व की घटना है, जब गोंड शासकों के साथ दो दो हाथ करने पड़े होंगे, किंतु उनका वर्णन पौराणिक कथाओं में 500 ईसा के बाद किया जाना सत्यता से कोसों दूर प्रतीत होता है। पुराणी कथाओं का संग्रह पुराण है, इनकी कथा 36 मानी गई है। इनमें 18 पुराण ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संबंधित है। इन कथाओं में ब्रह्मा द्वारा रचना, सृष्टि विष्णु के द्वारा उनका संरक्षण और शिव के द्वारा संहार करने की संबंधी कथाएं पाई जाती है, किंतु विष्णु पुराण में हमग्रीव, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, बलि, रावण आदि राक्षस गणों के वध के लिए विष्णु द्वारा अवतार लेने के वृत्तांत है, जो असुर, राक्षस, दानव और दैत्यों के वध करने से संबंधित है। असुर आदि गोंड मानव की हत्या और देवों की विजय को मुख्य रूप से परोसा जाना ही मानव जाति की खोज में साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है। इससे ही भारतवर्ष की मूल मानव नस्ल का ज्ञान होता है, जो प्रवासित मानव जातियों के आगमन के पूर्व से ही आबाद थी। दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके बिल्कुल सही ढंग से आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी अलंकारिक भाषा, अलंकारिक ऐसे वृत्तांत क्यों दिए गए। और राजेंद्र बाबू ढोके ये भी कहते हैं कि इस पुराणों में तिथि का काल नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए इसका अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि मूल निवासियों को जो मॉडिफाई करके बताया गया है कि ऐसा लगे कि सभ्यता का काल यानी प्राचीन जो काल था वो असभ्य काल था और इनको सभ्यता सिखाने वाले ये लोग थे। हालांकि बहुत सारे रिसर्चकार, बहुत सारे इतिहासकारों ने दावा किया है कि यहाँ की सभ्य अगर समूह देखा जाए तो वो आदिवासी समाज है, क्योंकि नेचर के साथ और समानतावाद के साथ यही है लोग वो जीते हैं और इनसे समानतावाद आगे बाकी सभी समुदाय में आए। तो देखिए कैसे सभ्य और असभ्य लोगों का, राक्षस और दैत्य लोगों का, दानव लोगों का, देव लोगों का कैसे इतिहास रचा गया, इसमें अगर आप तर्क लगा सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सही में कोई अपने में है, क्योंकि तर्क लगाना इतना ही ज़रूरी है दोस्तों कि बिना तर्क के आप पाखंड की तरफ धकेल दिए जाओगे। तो आज से इतिहास में तर्क लगाना सीखो। अगर ये भी गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन तर्क से हम इतिहास को खुरद करेंगे, खोद करेंगे, नया इतिहास बना करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।